हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स यहाँ पर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का। हम उस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है तो बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर के अंदर आता है। ऑलरेडी हमने 4th सेमेस्टर के 5th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दिया है, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल से वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। हाँ, अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना, और किसी सेमेस्टर का या फिर और किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल करके दूंगा। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मेरे पास 1st इंग्लिश में होगा और 2nd टाइम में यहाँ पर हिंदी में भी यहाँ पर अनुवादन उसका दिया गया है। तो आप दोनों यहाँ पर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में ही मिल जाएंगे। सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर 2 भी लैंग्वेज में यहां पर क्वेश्चन पेपर दिया गया है। और एक बात, यहां पर आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न होता है वो अलग अलग हो सकता है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट जो है 10 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, 5 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। उसका यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर 1st क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर डिस्कस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कई बार पूछा गया है, 1st क्वेश्चन ही होता है, 1st यूनिट के अंदर है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्सप्लेन इन द ब्रीफ अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो यूनानी एंड सिद्धा सिस्टम के अंदर कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 2nd नंबर का देख लीजिए क्वेश्चन, डिस्कस द सोर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्बल ओरिजिन्स फॉर यूज इन द हर्बल कॉस्मेटिक एज प्रोटेक्टिव एजेंट, फिक्स ऑयल, स्वीटनर्स एंड डाइल्यूएंट्स। 3rd नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट आर द हर्ब एंड हर्बल मेडिसिन। देख लीजिए हर्ब क्या होता है और हर्बल मेडिसिन क्या होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेसिंग ऑफ द हर्बल रॉ मटेरियल इन ब्रीफ। तो हर्बल रॉ मटेरियल की जो प्रोसेसिंग है उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हर्बल का, ये भी आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर देना चाहिए। 4th नंबर का, व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल्स। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है, क्लासिफाई देम, उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, न्यूट्रास्यूटिकल इंपॉर्टेंट है। राइट द हेल्थ बेनिफिट एंड रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स इन अलाइनमेंट्स ऑफ वेरियस डिसीज। 5 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर आप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब यहाँ पर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, राइट अ डिटेल नोट ऑन पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल इन मेडिसिन प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेस्ट कंट्रोल और पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप वेरी IMP कर सकते हो। उसके अंदर बी देख लीजिए यहाँ पर, पेटेंटिंग aspects of traditional knowledge of the natural products। 7 नंबर का यहाँ पर आप देख सकते हो, write a detailed note on the various components of GMP for Indian system of medicine। लास्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। फर्स्ट देख लीजिए, सोर्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिक्स ऑयल्स एंड प्रोटेक्टिव एजेंट्स। बी देख लीजिए, हर्बल ड्रग इंडस्ट्री प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रस्पेक्ट। लास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, इन दोनों के ऊपर नोट्स लिखना है, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको भी वेरी IMP आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स हमारा हर्बल ड्रग एंड टेक्नोलॉजी का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली मेरे वीडियो देख सकते हो। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू सो मच।